हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। आज हम सॉलिड ज्योमेट्री का लेक्चर लेंगे और आज हमारा सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट में मैंने आपको आर्टिकल करवाया था, आज भी कुछ थ्योरम से चलेंगे, ठीक है। तो देखिए, फर्स्ट सबसे पहले हम करेंगे टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कॉनिक व्हेन द व्हेन सेंटर इज एट द ओरिजन। कॉनिक इक्वेशन फाइंड आउट कीजिए जब इसका सेंटर ओरिजन पे मीन्स 0 0 है, ओके। तो जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक याद होगी होगी सभी को। इक्वेशन ऑफ कॉनिक क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। ये कॉनिक की जनरल इक्वेशन होती है, ओके। हमने क्या बताना है? इक्वेशन निकालनी है कॉनिक की, कब? जब सेंटर ओरिजिन होगा। ये हमारी जनरल इक्वेशन है। इस इक्वेशन से हम फाइंड आउट करेंगे अगर कॉनिक का सेंटर ओरिजिन है तो इक्वेशन कैसे आएगी हमारे पास, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे अगर हम लेके चलते हैं कि ये हमारे पास कॉनिक इक्वेशन है और इसका सेंटर अगर मैं 0 0 0 यानी कि ओरिजिन ले लेती हूँ, व्हेन सेंटर ऑफ कॉनिक फर्स्ट, यानी कि जो ये फर्स्ट इक्वेशन है, इस कॉनिक का जो सेंटर है इज ओरिजन, देन फॉर एनी पॉइंट एक्स वन वाई वन ऑन दिस कॉनिक देयर एग्जिस्ट अनदर पॉइंट माइनस एक्स वन माइनस वाई वन लाइज ऑन द कॉनिक। यहाँ पे हमने क्या कहा है कि अगर सेंटर ओरिजिन है कॉनिक का, ठीक है, सेंटर अगर ओरिजिन मीन्स मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास 0 0, ओके। अगर ये ओरिजिन का मतलब होता है जहाँ पॉइंट हमारे 0 0 होते हैं। अगर इसका सेंटर ओरिजिन है तो अगर मैं कॉनिक पे लेती हूँ एक्स वन वाई वन पॉइंट, दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है, और हमने कहा कि सेंटर ओरिजिन है तो ऐसा पॉइंट भी आएगा माइनस एक्स वन वाई वन। कैसे? मान लीजिए कि कॉनिक हमारा बना रहा है सर्कल। कॉनिक तो अकॉर्डिंग टू कंडीशंस कुछ भी हो सकता है, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, ठीक है। हमने लिया कि अगर हमारा जो कॉनिक है फर्स्ट इक्वेशन सर्कल को रिप्रेजेंट करे और मैं पॉइंट लेती हूँ यहाँ पे एक्स वन वाई वन पॉइंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, देन माइनस एक्स वन और माइनस वाई वन ये पॉइंट भी इसी कॉनिक पे लाई करेगा। यहाँ पे हमने ये कहा है कि अगर सेंटर ओरिजिन है किसी भी कॉनिक का तो अगर मैं कोई पॉइंट लेती हूँ एक्स वन वाई वन कॉनिक पे तो माइनस एक्स वन वाई वन भी उसी कॉनिक पे लाई करेगा, ओके। इट मीन्स एक्स वन वाई वन एंड माइनस एक्स वन वाई वन अगर कॉनिक पे लाई करते हैं, इसका मतलब वो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे बिकॉज दीज पॉइंट्स लाइज ऑन द कॉनिक, ओके। चलिए, देयरफॉर पहले मैं एक्स वन पुट करूँगी, ए एक्स वन स्क्वायर, जहाँ पे भी एक्स होगा वहाँ पे आप एक्स वन रखेंगे, जहाँ पे वाई होगा वहाँ पे वाई वन, प्लस टू एच एक्स वन वाई वन प्लस बी वाई वन स्क्वायर टू जी एक्स वन प्लस टू एफ वाई वन प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। इक्वेशन सेकेंड, ओके। ऐसे ही, क्योंकि माइनस एक्स वन वाई वन भी इसी कॉनिक पे लाई कर रहा है, दैट मीन्स ये भी सेटिस्फाई करेगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर एक्स स्क्वायर के प्लेस पे रखते हो माइनस एक्स वन यानी इसी का स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे माइनस जो है वो स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ए एक्स वन स्क्वायर प्लस यहाँ पे मैं रखूँगी एक्स वन को माइनस एक्स वन एंड वाई वन को माइनस वाई वन, और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का आ जाएगा, तो ये टर्म भी प्लस की आएगी, ओके। एंड वाई वन स्क्वायर के प्लेस पे रखना है माइनस वाई वन स्क्वायर, दैट मीन्स ये भी प्लस की आएगी। अब यहाँ पे देखते हैं, एक्स वन को हमने रिप्लेस करना है माइनस एक्स वन में, देन ये माइनस की हो जाएगी, टू जी एक्स वन माइनस वाई क्यूब रिप्लेस करेंगे माइनस वाई वन में, टू एफ वाई वन प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब यहाँ से हम दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सब्ट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशंस। अगर मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करती हूँ ये माइनस
माइनस प्लस प्लस एंड माइनस। ओके, अगर यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, देखिए यहाँ पे कैंसिल, ये फैक्टर भी कैंसिल, दिस एंड सी 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 कैंसिल, क्या आ जाएगा यहाँ से, फोर टाइम जी एक्स वन प्लस फोर टाइम एफ वाई वन इक्वल टू ज़ीरो। फोर कॉमन ले लेते हैं, फोर इंटू जी एक्स वन प्लस एफ वाई वन इक्वल टू ज़ीरो इम्प्लाइज दैट जी एक्स वन प्लस एफ वाई वन इक्वल टू ज़ीरो। अब ये कंडीशन आ जाती है हमारे पास कि जी इंटू एक्स वन प्लस एफ इंटू वाई वन, ऐसे दो क्वांटिटी जिनका सम करें हमारे पास आंसर ज़ीरो आए। दैट मीन्स क्या होना चाहिए, या तो ये यहाँ पे जो है वो दोनों ही जीरो बनेंगे तभी इनका सम जीरो आ सकता है। ओके, बट यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक्स वन और वाई वन जीरो नहीं हो सकते, बिकॉज सेंटर हमारा ओरिजिन है, तो ये इनकी वैल्यू तो जीरो होगी ही नहीं क्योंकि ये सेंटर के प्लेस पे नहीं आ सकते, तो ये कहीं ना कहीं इस पे कॉनिक पे लाई कर रहे हैं। इट मीन्स ये नॉट एक्स वन वाई वन नॉट इक्वल टू ज़ीरो। देन अगर यहाँ से देखेंगे हम तो एक्स वन वाई वन जीरो नहीं हो सकते, इम्प्लाइज दैट जीरो क्या होगा, Z एंड F ये जीरो बनेंगे। ठीक है, ये कैसे आया, क्योंकि हमारे पास आ गया था जी एक्स वन प्लस एफ वाई वन इक्वल टू जीरो, यानी दो क्वांटिटी को हमने सम किया इक्वल टू जीरो आ रहा है। दैट मीन्स दिस इज सेपरेटली जीरो एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो। एंड यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जी एक्स वन अगर जीरो है तो या तो जी जीरो होगा या फिर एक्स वन जीरो होगा, बट एक्स वन तो जीरो हो नहीं सकता बिकॉज इसका सेंटर ओरिजिन है, तो एक्स वन आपका कहीं ना कहीं कॉनिक पर लाइक करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा जी इक्वल टू जीरो, ऐसे ही एफ इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से मेरी कंडीशन क्या आई, अगर सेंटर ओरिजिन दे रखा है दैट मीन्स जी एंड एफ दोनों इक्वल टू जीरो होंगे, और जी और एफ क्या था, कॉफिशियंट ऑफ एक्स एंड कॉफिशियंट ऑफ वाई, इम्प्लाइज दैट यू कैन से दैट कॉफिशियंट ऑफ coefficient of x equal to 0 and coefficient of y equal to 0। कब जीरो होते हैं, जब कॉनिक का सेंटर ओरिजिन दे रखा होगा, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे लगाएंगे कि कॉफिशियंट ऑफ x एंड कॉफिशियंट ऑफ y हमारा ज़ीरो होगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपको यूज़ करना है क्वेश्चंस में। हमें चाहिए थी इक्वेशन कॉनिक की। ठीक है, अगर सेंटर ओरिजिन लिया तो हमारे पास आ गया जी और एफ जीरो, इसको आप पुट कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में, पुट एफ इक्वल टू ज़ीरो इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर मैं यहाँ पे पुट करती हूँ तो मेरे पास इक्वेशन आएगी ए एक्स स्क्वायर टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस, ये ज़ीरो हो जाएगा एंड ये भी ज़ीरो टर्म हो जाएगी, प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, ए एक्स स्क्वायर टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी, राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे और माइनस सी को थ्रू आउट डिवाइड कर दीजिए, देन माइनस ए बाई सी इंटू एक्स स्क्वायर टू एच अपॉन माइनस सी इंटू एक्स वाई प्लस बी अपॉन माइनस सी इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू वन रह जाएगा राइट साइड पर। ओके, अब ये जो कांस्टेंट आए हैं इनको हम नया नाम दे देते हैं, यानी माइनस ए बाय सी को मैंने ले लिया कैपिटल ए, कैपिटल ए इंटू एक्स स्क्वायर, दिस इज कैपिटल एच ले लेते हैं, टू को नहीं ओनली एच बाय सी को। ठीक है, ये जो एच बाय सी है सिर्फ इसको हम लेंगे कैपिटल एच, देन यहाँ से आ जाएगा टू टाइम एच एक्स वाई प्लस माइनस बी बाय सी को हमने ले लिया कैपिटल बी इंटू वाई स्क्वायर इक्वल टू वन। दिस इज अ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ कॉनिक, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन, बिकॉज इसके जो सेंटर होगा वो ओरिजिन पे लाई करेगा। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कॉनिक रेफर टू सेंटर एज ओरिजिन। इक्वेशन निकालनी है कॉनिक की जहाँ पे आप सेंटर को ओरिजिन पे शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, या फिर स्टेटमेंट आ सकती है टू फाइंड द इक्वेशन द कॉनिक रेफर टू एक्सिस थ्रू द सेंटर पैरेलल टू द ओरिजिनल एक्सिस। देन हम क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ कॉनिक निकालेंगे जब इसके सेंटर को आप शिफ्ट कर देंगे ओरिजिन पे। ठीक है, प्रूफ देखिए इसका, जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक की मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, ए एक्स स्क्वायर टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर टू जी एक्स टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, जनरल इक्वेशन होती है। अब इसकी हमें क्या करना है, ऐसे कॉनिक इक्वेशन निकालनी है जिसके सेंटर्स को आपने ओरिजिन पे शिफ्ट कर दिया। तो यहाँ पे मैं लेके चलती हूँ, लेट एक्स वन वाई वन
बी द सेंटर ऑफ, ये फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट मीन्स इस कॉनिक के हमने सेंटर ले लिए हैं एक्स वन एंड वाई वन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको ओरिजिन पे शिफ्ट करना है, शिफ्ट द ओरिजिन ओरिजिन टू द पॉइंट एक्स वन वाई वन, टू पॉइंट एक्स वन वाई वन, एक्स इज रिमेनिंग पैरेलल टू द ओरिजिनल एक्सिस, जो एक्सिस है वो आपको पैरेलल रखनी है ओरिजिनल एक्सिस के। अब यहाँ पे बोला गया है ना कि ओरिजिनल एक्सिस के पैरेलल होने चाहिए, ठीक है। अगर हम मान लीजिए कि हमारे पास सेंटर है कॉनिक का एक्स वन वाई वन, ठीक है, तो इसी के पैरेलल एक्सिस होनी चाहिए और हमें इसको शिफ्ट करना है ओरिजिन पे मीन्स जीरो जीरो पे, ओके। अगर आप ओरिजिन पे शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स भी नए आएंगे, यानी कि एक्स यहाँ पे जैसे हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस लेते हैं तो ये कोऑर्डिनेट भी आप अलग लेके चलेंगे, तो हम यहाँ पे हम ले लेते हैं लेट एक्स डैश वाई डैश बी द कोऑर्डिनेट्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ द न्यू सिस्टम, पॉइंट इन न्यू सिस्टम ओके। देन यू कैन राइट एक्स इक्वल टू, हमने पॉइंट जो हो एक्स वाई, यहाँ पे एक्स वाई पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिए हैं एक्स डैश वाई डैश, देन हम एक्स को क्या लिखेंगे एक्स वन प्लस एक्स डैश, एंड वाई को लिखेंगे वाई वन प्लस वाई डैश, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है एक्स और वाई की हम पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन ए इंटू एक्स वन प्लस एक्स डैश स्क्वायर प्लस टू एच एक्स वन प्लस एक्स डैश इंटू वाई वन प्लस वाई डैश प्लस बी इंटू वाई स्क्वायर है, यहाँ पे हम इसको चेंज करेंगे वाई वन प्लस वाई डैश स्क्वायर में, टू जी इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू एक्स वन प्लस एक्स डैश प्लस टू एफ, आगे लिख देती हूँ मैं इस टर्म को, प्लस टू एफ वाई की वैल्यू वाई वन प्लस वाई डैश, और लास्ट में है प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। एक्स और वाई को हमने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दिया, अब इसकी कैलकुलेशन मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। सॉल्व करेंगे हम, यहाँ पे स्क्वायर ओपन करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर ओपन करना है एंड यहाँ से मल्टीप्लाई करके हमें क्या करना है एक्स डैश वाई डैश के जो एक्स डैश स्क्वायर एक्स डैश में वाई डैश इनके मल्टीपल सबके अलग अलग कर लेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्टार्टिंग से रिपीट करवा देती हूँ, हमने सबसे पहले कॉनिक इक्वेशन ली है, हमें क्या करना है कि इसके सेंटर को अगर ओरिजिन पे शिफ्ट कर देंगे तो कॉनिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर इसका सेंटर हम ले लेते हैं एक्स वन वाई वन, हमने इस कॉनिक का सेंटर लिया है, फिर हम अगर ओरिजिन पे शिफ्ट करेंगे किस कैसे शिफ्ट करना है कि इसके जो एक्सिस थे पहले जो इस फर्स्ट इक्वेशन है जिस कॉनिक के जो एक्सिस हैं इसी के पैरेलल न्यू कॉनिक के एक्सिस आने चाहिए, ओके। यहाँ पे स्टेटमेंट मेंशन भी है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं एक्स इंटू वाई, सॉरी एक्स इन एंड वाई, ठीक है। और जब हमने इसके सेंटर को ओरिजिन पे शिफ्ट किया तो इसके हमने कोऑर्डिनेट्स क्या लिए हैं एक्स डैश वाई डैश, समझ गए। तो इसको सॉल्व करके आपको एक्स डैश वाई डैश में इसलिए लेके आना है क्योंकि ये क्वेश्चन हमारी एक्स और वाई में थी, कब, जब सेंटर था एक्स वन वाई वन, और जो नई क्वेश्चन आएगी सॉल्व एक्स की वैल्यू हमने पुट की एक्स वन प्लस एक्स डैश, ये कहाँ से आता है जब आप ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं और वहाँ से ही कंडीशन होती है, ठीक है। देन एक्स डैश वाई डैश में आएगी इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास, जैसे ये एक्स वाई में है ये आएगी एक्स डैश और वाई डैश में, इसलिए हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करके एक्स डैश स्क्वायर टू एक्स डैश वाई डैश टू इंटू एच एक्स डैश वाई डैश, ठीक है, बी वाई डैश स्क्वायर प्लस यहाँ पे एक्स डैश का मल्टीपल अलग करेंगे वाई डैश का मल्टीपल अलग करेंगे और बाकी जो टर्म रह जाती है उनको हमने यहाँ पे लिख दिया,
ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो आप यही क्वेश्चन आ जाती है। अगर मैं यहाँ पे एक्स वन वाई वन पुट कर लेती हूँ तो ये वही क्वेश्चन आ जाएगी। तो ये सारी स्टेटमेंट सिर्फ इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिली है। ओके, इसके बाद देखिए ये जो नई क्वेश्चन आई है यानी नया कॉनिक आया है, ये कब आया है? जब इसका सेंटर ओरिजिन है। यहाँ पे हम लिखेंगे एज सेंटर ऑफ दिस कॉनिक इज ओरिजिन, क्योंकि हमने पहले वाले का सेंटर चेंज करके ओरिजिन पे शिफ्ट कर दिया था। तो ये जो नया कॉनिक मिलेगा इसका सेंटर होगा ओरिजिन, मीन्स 0 0। और अभी आपने पढ़ा था कि इसे लास्ट जो मैंने आर्टिकल करवाया है उसमें हमने क्या पढ़ा है कि अगर सेंटर ओरिजिन होता है कॉनिक का तो उसमें एक्स और वाई के मल्टीपल 0 हो जाते हैं। यहाँ पे क्या होगा, इसके किसके मल्टीपल 0 बनेंगे? एक्स डैश एंड वाई डैश के, बिकॉज नया कॉनिक हमारा एक्स डैश और वाई डैश कोऑर्डिनेट्स में चल रहा है। ओके, हमने क्या कहा यहाँ से, एज सेंटर ऑफ दिस कॉनिक इज ओरिजन देन कोफिशियंट ऑफ एक्स डैश एंड वाई डैश इक्वल टू 0। यहाँ पे लेके चलेंगे हम एक्स डैश का कोफिशियंट क्या है, यहाँ पे एक्स डैश का कोफिशियंट 2 टाइम ax1 प्लस hy1 प्लस z इक्वल टू 0। ये एक्स डैश का कोफिशियंट है एंड वाई डैश का ये रहा 2 इंटू hx1 by1 प्लस f इक्वल टू 0। ठीक है, ये कंडीशन कब आई है? जब नए सेंटर जो नए कॉनिक की जो सेंटर है वो ओरिजिन होंगे। ओके, यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, 2 को राइट हैंड साइड पे लेके जाइए, 0 हो जाएगा, दैट मीन्स ax1 प्लस hy1 प्लस z इक्वल टू 0 आ जाता है। y1 प्लस z इक्वल टू 0 एंड hx1 प्लस by1 प्लस f इक्वल टू 0। यहाँ पे x1 और y1 में दो इक्वेशन है, इनको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग दैम किससे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैथड से। x1 अपॉन क्या करते हैं, x1 के कॉफिशेंट्स यानी इस टर्म को छोड़ के h इंटू f, जैसे डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करते हैं, माइनस b इंटू g इक्वल टू y1 अपॉन y1 का जब आप लेते हैं देन यहाँ पे माइनस अप्लाई करोगे तो वैसे ही ऑर्डर में चलेगा, अदरवाइज अपोजिट हो जाता है, एच जी माइनस ए एफ इक्वल टू 1 अपॉन 1 लेंगे तो कांस्टेंट टर्म को आप छोड़ देंगे, आप इसको स्किप करेंगे, a इंटू बी माइनस एच स्क्वायर, इसके मल्टीप्लाई करेंगे एच स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से एक्स वन की वैल्यू निकाल सकते हैं, एक्स वन इज इसको एक बार आप फर्स्ट और थर्ड को इक्वल लीजिए, एक बार सेकेंड और थर्ड टर्म को इक्वल लीजिए, तो जब आप फर्स्ट को और थर्ड को इक्वल लेंगे तो एक्स वन की वैल्यू आ जाएगी एच एफ माइनस बी जी डिवाइड बाय ए बी माइनस एच स्क्वायर एंड वाई वन की वैल्यू आ जाएगी एच जी माइनस ए एफ अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर। ठीक है, ये आगे हमारे पास x1 y1 और x1 y1 आपने क्या लिया था, सेंटर ऑफ द कॉनिक फर्स्ट। अब हम इक्वेशन निकालते हैं, जो आपको इक्वेशन निकालनी है कि जब हम इसको ओरिजिन पे शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, अगर हमने ये लिया है यहाँ पे कि अगर x डैश इसके सेंटर अगर ओरिजिन है तो ये टर्म हमारी 0, ये टर्म भी हमारी 0 हो जाएगी, देन दिस इक्वेशन रिड्यूस टू किस में, ये इक्वेशन अगर मैं इसके प्लेस पे भी 0 रख देती हूँ, यहाँ पे भी 0 पुट कर देती हूँ, देन यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड ले लेते हैं, इक्वेशन सेकेंड रिड्यूस टू किस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी, ये हम 0 ले रहे हैं, ये हम 0 ले रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए ए एक्स डैश स्क्वायर प्लस 2hx - y - by² ये टर्म 0, ये टर्म 0, इसके बाद आएगी ये टर्म। ओके, तो यहाँ पे हम लिखते हैं ए एक्स डैश स्क्वायर 2hx - y - by² और ये जो लास्ट की टर्म है ये इतनी पूरी की पूरी टर्म को हम ले लेते हैं सी कॉन्स्टेंट, इसको हम C1 ले लेते हैं। ओके, क्योंकि C का तो हम यूज़ कर चुके हैं यहाँ पे, तो इस पूरी टर्म को मैंने C1 ले लिया है। यहाँ पे आप लिखेंगे वेयर C1 इज इक्वल टू, क्या है C1 की वैल्यू, ax1 स्क्वायर 2hx1 y1 प्लस by1 स्क्वायर प्लस 2gx1 2hy1 प्लस C।
ये हमारी है सी वन की वैल्यू। देन इस इक्वेशन को आप लिख सकते हो स्मॉल ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू एच कैपिटल एक्स इंटू कैपिटल वाई बी वाई स्क्वायर प्लस सी वन इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो ये नए हम जो इक्वेशन हमसे पूछी गई है स्टेटमेंट में कि कॉनिक इक्वेशन निकाली, तो हमने ये इक्वेशन निकाल ली कॉनिक की जब हमने जनरल इक्वेशन के सेंटर को रेफर किया था ओरिजिन पे। ठीक है, अब ये जो सी वन है थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सी वन की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए एक्स वन स्क्वायर टू एच एक्स वन वाई वन, और इसको मैं लिख लेती हूँ एच एक्स वन वाई वन प्लस एच एक्स वन वाई वन, समझ गए, जो टू टाइम दे रखा है उसको मैंने वन इंटू वन लिख दिया है, प्लस बी वाई वन स्क्वायर, और आगे दे रखा है टू जी एक्स वन, इसको भी मैं एक एक करके लिख लेती हूँ टू जी एक्स वन एंड टू एफ सॉरी टू एच नहीं है ये एफ आएगा यहाँ पे टू एफ वाई वन, इसको भी हम एक एक करके लिखेंगे एफ वाई वन प्लस एफ वाई वन प्लस सी, ये हमारी सी वन की वैल्यू है। ठीक है, तो जो एक्स वन दिस टर्म एंड दिस टर्म, ये तीनों टर्म को मैं इकट्ठा ले लेती हूँ और इसको सॉल्व करेंगे हम कॉमन निकाल के। दिस टर्म दिस एंड दिस, ओके ये आ जाएगा यहाँ से। अगर मैं एक्स वन कॉमन लेती हूँ ए एक्स वन प्लस एच एक्स वन बाहर आ गया एच वाई वन प्लस जी इन तीनों टर्म्स में से, ओके प्लस अब हम लेके चलेंगे ये एंड ये, ब्लैक को हटा देती हूँ यहाँ से, एंड नेक्स्ट इज वाई वन चाहिए हमें ये वाली टर्म। ठीक है, इन तीनों में से मैं ले लेती हूँ वाई वन कॉमन, जो स्क्वायर वाले टर्म है यहाँ पे, यहाँ से आएगा बी वाई वन एंड यहाँ से आएगा एच एक्स वन एंड यहाँ से आएगा प्लस एफ। ठीक है, बाकी जो टर्म बच जाते हैं उनको आप लिख लीजिए, जैसे ये वाली रहेगी एज इट इज जी एक्स वन एफ वाई वन दिस टर्म एंड प्लस सी। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज, ये जो इक्वेशन हमने निकाली थी दिस इज, इनकी वैल्यू इक्वल टू जीरो है, ए एक्स वन एच वाई वन प्लस जी इक्वल टू जीरो एंड सेकेंड इज एच एक्स वन, आप इसको पहले लिख लीजिए और इसको बाद में एच एक्स वन बी वाई वन, ओके और ये इक्वल टू जीरो, यहाँ से दोनों की वैल्यू उठाएंगे यहाँ पुट कर लेंगे तो ये टर्म भी जीरो ये टर्म भी जीरो, क्या आ जाएगा एक्स वन इंटू जीरो प्लस वाई वन इंटू जीरो प्लस जी एक्स वन प्लस एफ वाई वन प्लस सी, देन दिस इक्वल टू जी एक्स वन एफ वाई वन प्लस सी, रखेंगे वैल्यू ऑफ एक्स वन वाई वन, दिस इज़ अ वैल्यू ऑफ एक्स वन एंड वाई वन, ओके वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे जी इंटू एक्स वन इज एच एफ माइनस बी जे डिवाइड बाय ए बी माइनस एच स्क्वायर प्लस एफ इंटू वाई वन की वैल्यू रखिए एच जी माइनस ए एफ ए बी माइनस एच स्क्वायर एंड प्लस सी। एलसीएम लेके और अगर यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा एलसीएम क्या आ रहा है यहाँ पे ए बी माइनस एच स्क्वायर, ये एलसीएम आ जाएगा और जो यहाँ पे स्टेट टर्म आएगी उसको मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ ए बी सी प्लस टू जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर एंड माइनस सी एच स्क्वायर टू, यहाँ पे एफ भी आएगा भाई टू एफ जी एच ए एफ स्क्वायर माइनस एच क्या था लास्ट में सी एच स्क्वायर, यानी जब आप इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके तो आपके पास सी आएगा, और इसको हम जो ये न्यूमरेटर है इसको हम लेके चलते हैं डेल, ये याद रखना है आपको ये डेल हर एक क्वेश्चन में आपको यही फाइंड आउट करना है कंपेयर करके ए बी सी की ए बी सी एफ जी एच सारी वैल्यूज निकाल के आपको डेल निकालना पड़ेगा, तो ये वैल्यू आपको याद रखनी है ए बी माइनस एच स्क्वायर। तो न्यू इक्वेशन क्या आ रही है कॉनिक की ए एक्स स्क्वायर टू एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी वन, जहाँ पे आप बताएंगे कि सी वन इज दिस। ठीक है, तो सी वन की वैल्यू आप इसको सॉल्व करके ये भी बता सकते हैं जहाँ पे सी वन आ जाएगा आपका जी एक्स वन एफ वाई वन प्लस सी। देखिए अब हम करते हैं वर्किंग रूल टू फाइंड द नेचर ऑफ द कर्व,
यानी कि जो काम आपको क्वेश्चंस में करना है वो समझिए यहाँ पे। जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक इज ए एक्स स्क्वायर टू एच एक्स वाई बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स टू एफ वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये हमारी जनरल इक्वेशन होती है, ठीक है। अब यहाँ से अभी हमने जो डेल्टा लास्ट आर्टिकल में देखा था, हमने फाइंड आउट किया था डेल, इसको हम डेल्टा बोलते हैं, ठीक है, यानी डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस कॉनिक, ओके। ये हम कैसे निकालेंगे, ए बी सी थ्री क्रॉस थ्री ऑर्डर का डिटरमिनेंट लेके चल रहे हैं, ये कॉन्स्टेंट आपको सारे कंपेयर करके मिल जाएंगे, आपको इक्वेशन दी होगी वहाँ से आपको कंपेयर करके ए एच बी जी एफ एंड सी सबकी वैल्यूज मिल जाएंगी, वहाँ से हम ए बी सी की वैल्यू, ये डायग्राम हो जाएगा एच जी एफ। ये याद करने का तरीका होता है कि हम इसको याद कैसे रखेंगे, कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बनता है, सिमेट्रिक कैसे, ये प्लेस एंड दिस नंबर एंड दिस प्लेस का नंबर सारे इक्वल है और ये हमारा डायग्राम हो जाता है ए बी सी, ओके। इसको अगर ओपन करेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी ये भी लर्न करना है, और जो अभी डायरेक्ट वैल्यू आएगी इसको सॉल्व करने के बाद, ए बी सी प्लस टू एच जी एफ, टू एच जी एफ ही था, टू एच जी एच कुछ भी लिख लीजिए, माइनस ए जी स्क्वायर माइनस बी एफ स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, ये वैल्यू भी याद करनी है, और ए एफ स्क्वायर उल्टा कर दिया मैंने यहाँ पे, ए एफ स्क्वायर एंड बी जी स्क्वायर ये आएगा भाई, ठीक है। तो ये डेल की वैल्यू बाय डिटरमिनेंट, यानी कि अगर ये पोर्शन याद नहीं रहता है तो आप डिटरमिनेंट देख लीजिए और इसको एक्सपेंड कर लीजिए, यही वैल्यू देगा ये, ओके। अब हम डिस्कस करते हैं, ये हमने फाइंड आउट कर लिया, इसके बाद हमें चेक करना है कि डेल नॉट इक्वल टू जीरो है या इक्वल टू जीरो, मीन्स हम ये सॉल्व करेंगे और ये क्वांटिटी देखेंगे इक्वल टू जीरो आ रही नॉट इक्वल टू जीरो। फिर हम निकालेंगे ए बी माइनस एस स्क्वायर एंड इक्वेशन फर्स्ट केस लेके चलेंगे, इक्वेशन फर्स्ट रिप्रेजेंट दिस इज एलिप्स इफ ए बी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। सेकेंड होगा इक्वेशन फर्स्ट रिप्रेजेंट हाइपरबोला, हाइपरबोला इफ ए बी माइनस एच स्क्वायर लेस देन जीरो, ठीक है। एंड इक्वेशन थर्ड रिप्रेजेंट रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इफ ए बी माइनस एच स्क्वायर लेस देन जीरो एंड ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, एंड ए प्लस बी इक्वल टू जीरो। फोर्थ इज इक्वेशन फर्स्ट रिप्रेजेंट अ सर्कल इफ ए प्लस ए इक्वल टू बी एंड एच इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये सारे केसेस आपको निकालने हैं क्वेश्चंस में, तो ये सारे आपको याद भी होने चाहिए। और लास्ट में आता है पैराबोला, इक्वेशन फर्स्ट रिप्रेजेंट ए पैराबोला, पैराबोला इफ ए बी माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये तो थे जब डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो, अगर डेल्टा इक्वल टू जीरो है देन इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि ये कॉनिक रिप्रेजेंट करेगा पैरेलल लाइंस को अगर ए बी माइनस एच स्क्वायर इक्वल टू जीरो आ जाता है, ये भी इक्वल टू जीरो होना चाहिए और डेल भी इक्वल टू जीरो होना चाहिए, अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो और ए बी माइनस एच स्क्वायर जीरो आ जाएगा तो पैराबोला बनाएगा, ओके। और अगर दोनों इक्वल टू जीरो आ जाते हैं तो मेरे पास आएगा पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, ओके। सेकंड, अगर डेल इक्वल टू जीरो है देन यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइंस आएंगी, कब, जब ए प्लस बी इक्वल टू जीरो होगा। तो हर केस आपको बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए। एंड थर्ड इज ए पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस इफ ए बी माइनस एस स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि डेल तो जीरो आ जाएगा बट ए बी माइनस एस स्क्वायर नॉट इक्वल टू जीरो आता है, दैट मीन्स ये फर्स्ट इक्वेशन रिप्रेजेंट करेगी ए पेयर ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। तो आज आप यहाँ तक ही करिए, नेक्स्ट लेक्चर में आपको एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज कोशिश करूँगी कि कंप्लीट करवा पाऊँ, तो आप इनको ट्राई कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।